सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 80 जो कि कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें आज हम एक बार फिर से पाठ नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं और ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रक नंबर 2 है। तो चलिए बिना समय गंवाएं शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। तो यानी आपको करना क्या है कि प्रश्न 1 से 5 तक बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस हैं। इनका उत्तर आपको या तो एक शब्द या एक वाक्य या अधिकतम 30 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तो देखिए, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। मानवीय प्रभाव का मतलब उसमें किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस का कोई चांस नहीं है, किसी ने उसको छुआ नहीं है, छेड़ा नहीं है और वो लंबे समय तक ऐसा ही पड़ा रहा और अपने आप बिना किसी सहायता के पैदा हुआ। तो इसको हम, ऐसी वनस्पति को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, टुंड्रा वनस्पति, हिमालयी वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो देखिए, इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और सही आंसर है घ, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये इसका उत्तर है। फिर प्रश्न नंबर 3 है, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में मुख्य अंतर क्या है। देखिए, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है, जबकि प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है, यानी किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय पर जो जहाँ वहाँ पर जितने भी पौधे हैं वो वनस्पति जगत कहलाते हैं और प्राणी जगत का मतलब है जानवर, जीव जंतु, इनका मतलब है प्राणी जगत। तो ये दोनों में मुख्यतः अंतर है। फिर चौथा प्रश्न है कि सिमलीपाल जीव मंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है। सिमलीपाल पंजाब में, दिल्ली में, ओडिशा में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो सही उत्तर है ओडिशा में सिमलीपाल जीव मंडल नीचे स्थित है। फिर है प्रश्न नंबर 5, भारत के किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी किस राज्य में ज़्यादातर वन हैं। त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम या मिजोरम। तो सही उत्तर है घ, मिजोरम। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 जो कि स्रोत आधारित प्रश्न होता है, वैसे चार अंकों का आपको प्रश्न आता है और इसमें 4 प्रश्न होते हैं एक एक अंक वाले। तो चलिए, करना क्या है कि दिए गए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर जिसको हम पाम भी कहते हैं और नागफनी यानी कैक्टाई यहाँ की मुख्य पादप प्रजातियाँ यानी मुख्य जो पौधे हैं वो ये हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। पत्तियाँ प्राय छोटी होती हैं जिनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके, क्योंकि जब छोटी होंगी तो वाष्पीकरण कम से कम होगा जिससे ये काफ़ी समय तक वहाँ पर रह पाते हैं। शुष्क भागों में झाड़ियाँ और कंटीले पादप, या पादप का मतलब है पौधे, पाए जाते हैं। तो ये तो था हमारा अनुच्छेद, अब इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, भारत में किन राज्यों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए, कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र।
फिर दूसरा प्रश्न है कि मरुस्थलीय वनस्पति कितनी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय वनस्पति 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर नंबर 3 है, मरुस्थलीय वनस्पति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो अभी अभी हमने विशेषताएं पढ़ी। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं, इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं और पत्तियां प्राय छोटी होती हैं। और चौथा प्रश्न, मरुस्थलीय वनस्पति में कांटे अधिक होने के क्या कारण होता है? कांटे क्यों ज़्यादा होते हैं? क्यों ज़्यादा होते हैं? इसलिए ज़्यादा होते हैं ताकि उनसे वाष्पीकरण कम से कम हो सके, क्योंकि कांटे क्या होते हैं, वो पत्तियां ही होती हैं जो कि कांटे का रूप ले लेती हैं, और इनसे वाष्पीकरण कम हो इसलिए कांटे ज़्यादा होते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 7, जो कि 3 अंकों का है, हमारे देश में मुख्यतः किस किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो देखिए, हमारे देश में मुख्यतः निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनमें कौन कौन सी हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि देश में सबसे ज़्यादातर हिस्सों में वो यही हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, अभी अभी हमने समझा, राजस्थान और गुजरात, पर्वतीय वन पहाड़ी क्षेत्रों में, और मैंग्रोव वन समुद्र के किनारे जो होते हैं वो मैंग्रोव वन होते हैं। ख़ास तौर से जो जैसे अंडमान निकोबार है, जहाँ की जलवायु है भूमध्य वाली जलवायु है, विषुवतीय जलवायु है, वहाँ पर ये मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8, यह भी 3 अंकों का प्रश्न है, हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति क्यों है? यानी दक्षिणी ढलानों पर वनस्पति ज़्यादा है जबकि उत्तरी ढलान पर कम है, तो इसका क्या कारण है देखते हैं एक बार। हिमालय पर्वत की दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पति इसलिए है क्योंकि दक्षिणी ढलानों पर सूर्य का प्रकाश भरपूर मिलता है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होता है, जबकि उत्तरी ढलानों पर सूर्य का प्रकाश अपेक्षाकृत कम पड़ता है। फिर दूसरा कारण है कि दक्षिणी ढलानों पर भारी मात्रा में वर्षा होती है, जबकि उत्तरी ढलानों पर वर्षा न्यूनतम यानी कम होती है। फिर प्रश्न नंबर 9, वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक हैं, यानी वन हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? तो देखिए, ये 5 अंकों का प्रश्न है, इसलिए हमें 5 वाक्य लिखने ही पड़ेंगे। वन स्थानीय जलवायु में बदलाव कर देते हैं, बाढ़ को रोकते हैं तथा मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, जैसा कि पिछली वर्कशीट में हमने समझा था, ये मिट्टी को जकड़े रखते हैं इसलिए मृदा के अपरदन को रोकते हैं। वन हवा के दबाव तथा तापक्रम को भी कम करते हैं, यानी गर्मी का एहसास कम करते हैं, तथा वर्षा की मात्रा में वृद्धि करते हैं, वन होने से वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा होती है। वनों के पेड़ पौधे मृदा को ह्यूमस प्रदान करते हैं, जैसे पिछली बार हमने पढ़ा था कि वो खाद बनाते हैं, उनके जो पत्तियां या जड़ें वगैरह होती हैं सड़ गल के, वो खाद बनाती हैं, तथा वन्य जीवों को आश्रय उपलब्ध कराते हैं, यानी वन्य जीवों का जो घर है वो क्या है, वन ही तो है। वन उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, यहाँ से लोगों को कई अन्य महत्वपूर्ण उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। और लास्ट में वन पुनः नवीकरणीय संसाधन हैं तथा पर्यावरण की गुणवत्ता की वृद्धि में भी इनकी अहम भूमिका है, यानी वन ऐसे होते हैं जिनका आप एक बार प्रयोग करने के बाद भी उनका दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। फिर आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण क्या क्या हैं? देखिए, मनुष्य के लालच के कारण प्राकृतिक स्रोतों का अत्यधिक दोहन होता है, दोहन का मतलब वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, वे पेड़ पौधों को काटते हैं तथा जंतुओं का शिकार करते हैं, जिससे पारितंत्र में असंतुलन पैदा होता है। फिर दूसरा कारण है कि इस कारण से कुछ पौधों एवं जंतुओं की प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं, यानी वो खत्म हो रही हैं। इसके अलावा रासायनिक तथा औद्योगिक अपशिष्टों से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण भी पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण है। फिर अम्लीय जमाव और विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, जिससे जो हमारे यहाँ की जातियाँ हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, और कृषि कार्य तथा बसाव हेतु जमीन प्राप्त करने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई आदि, ये सारे के सारे कारण पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। और ये 5 अंकों का प्रश्न है,
तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हम मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए और ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते अवश्य रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना तो मास्क जरूर लगा के रखिए और जब भी संभव हो और उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।